पैनल डिस्कशन, और इसके लिए सबसे पहले एज यू ऑल नो कि जो हमारा टॉपिक है वो 0 to 1 मैक्सिमाइज योर D2C ग्रोथ विद द मल्टी चैनल अप्रोच होगा। और इसमें हमारे साथ में वेल नोन स्पीकर्स हैं, बहुत ही इंडस्ट्री के एक्सपर्टीज आज हमारे साथ हैं। तो इसमें मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर नरेंद्र सुरथिया जी को, फाउंडर गोपी प्रिंट से। आई रिक्वेस्ट यू सर प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। नेक्स्ट आई वांट टू इनवाइट ऑन दिस स्टेज मिस पूजा चौधरी, फाउंडर लावण्या द लेबल। एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीवन, नेक्स्ट आई वांट टू इनवाइट ऑन दिस स्टेज शुभम चौहान, फाउंडर हैंड पॉक्स से। आई रिक्वेस्ट यू सर यू आल्सो जॉइन अस ऑन स्टेज। नेक्स्ट आई वांट टू इनवाइट ऑन स्टेज तुषार अतर, अविक्विस्ट को फाउंडर अतर आयुर्वेदा से। सर यू ऑल्सो जॉइन अस ऑन स्टेज। नेक्स्ट आई वांट टू इनवाइट ऑन दिस स्टेज आवर नेक्स्ट स्पीकर अतिश जैन, फाउंडिंग मेंबर शॉपटेक से। आई रिक्वेस्ट यू सर यू ऑल्सो जॉइन अस। नेक्स्ट आई वांट टू इनवाइट ऑन दिस स्टेज मिस्टर गौरव शिवानी, फाउंडर एंड MD फोर पॉक्स बिजनेस सोल्यूशन से। एंड हमारे मॉडरेटर हैं मिस्टर अभिषेक नागर, सीनियर मैनेजर मार्केटिंग। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीवन। So I will start with a quick confession today. Actually, I was born and brought up in Delhi, and whenever I get a chance to come to Rajasthan, I feel like I belong to this place. And with that, you know, I want to say that एक साल पहले जब इकुम की जर्नी स्टार्ट हुई थी तो जयपुर से हुई थी, एंड वी आर बैक इन द सेकेंड ईयर, एंड आर फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हो रहा है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। एंड जस्ट बिकॉज कि आप लोगों का जो लव मिला है हमें जयपुर से, दैट हैज इंस्पायर्ड अस टू कवर ऑल द मेजर सिटीज इन इंडिया, एंड दैट्स ऑलवेज स्टार्ट विद जयपुर। सो दैट्स अ होली सिटी फॉर अस, एंड वी विश कि हम जब ये स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी, सो वी फील लाइक कि जो इंडिया की ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं यहीं से स्टार्ट होती है, राजस्थान से। एंड वी आर सिटिंग इन द सिटी ऑफ जहाँ पे बहुत सारी कलर्स हैं, इंस्पिरेशंस हैं। सो विद दैट आई वांट टू गिव अ हार्टफेल्ट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप लोग आए हैं अपना पीस सिस्टम में निकाल के, एंड विदाउट टेकिंग मच ऑफ द टाइम I want to welcome all the panelists who are going to share the insights today, and I want to hand over the mic to them so that they can give a little bit about themselves and what we can expect from them today. They can share a little about that as well. So can we give a hand to them so that they also feel, you know, joyous, and then they can come up with energy and then हेलो एवरीवन, दिस साइड गौरव सेवानी, आई एम द फाउंडर ऑफ फोरबॉक्स बिजनेस सॉल्यूशन। सो बेसिकली व्हाट वी डू इज वी आर द एजेंसी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड द ई-कॉमर्स मैनेजमेंट। सो आवर कोर एक्सपर्टीज इज अबाउट द मार्केट प्लेसेस, सो वी आर मोर इनटू द ग्लोबल मार्केट प्लेसेस लाइक अमेज़न, वॉलमार्ट, एक्सी, एंड आई एम हियर टू गिव यू द सॉल्यूशन अबाउट द ग्लोबल, हाउ टू गो ग्लोबल, how to start your D2C marketplaces, how to start your product, and how to identify the niche market for your industry. So that's it from my side. Thank you, everyone. Hi, I think we have had a conversation. Feel free. Just introducing ourselves, Satish Jain here. We've been in the e-commerce industry as a marketplace as well by the name of WMall, and now as a D2C enabler. I think future growth in D2C and non-D2C parts as well, right? There's a lot, currently if we do from Indian seller to India mein customers kaise la rahe hain, I think global is the next thing, what we will also be doing. Happy to be here and glad to have you all. Hello everyone, this is Tushar from Atar Ayurveda. We are actually an Ayurvedic brand, and we deal in all the Ayurvedic and herbal products, purely natural. And we have been in this industry for 180 years, if we talk about my family business. As a brand, we have started since 4 to 5 years back. And I am here to share my insights and my learnings with you today, which we have gone through 4 to 5 years back. And I hope it will go well. Thank you. Hello everybody, my name is Shubham. I have a brand, Headpops. We make smart motorbike helmets.
they have Bluetooth enabled. They give the comfort of like a car. They have the infotainment system, the helmet, can answer the call. It helps very much to the daily commuters, delivery boys and all. I started with scratch only because I never wanted my father money to like, I don't want he to invest in me like, in my brand also because I returned zero. My father always say ki agar main tumhe help karunga to tum kuch bhi nahi kar paoge, main tumhe help nahi karunga tum kuch kar paoge. To maine jaise ki website ek Google pe bahut search karti thi, main aap log ki kar rahi thi kuch bhi nahi karti thi, Google khol ke baith jati thi kaise kya karna hai kaise kya karu. फिर मैंने 2019 में चालू की थी मेरी प्रापण्यता लेकर, देन उसके बाद मैंने एक सेकेंड ब्रांड लॉन्च की लास्ट ईयर उनकी नोरे 21 वेस्टर्न वेयर है. तो इतना अच्छा लगा बाहर बार ग्लोबल में कि उन लोग को मेरा ब्रांड उन्होंने डायरेक्टली मुझे अप्रोच किया एंड दे वांट कि मैं उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाऊँ. तो बहुत अच्छा है, मतलब मैं भी चाहूँगी कि जैसे मैंने जीरो से चालू किया है बस आप लोग भी यहाँ पर आए हो जीरो से, मतलब अच्छा करने के बोल के पहुँचने के लिए. Flipkart. And overall, majority sales came from e-commerce channels, and slowly we have migrated to our D2C own brand. And I want to make sure that anybody who has any queries, any shortcomings of the marketplaces, we understand what are the issues in Flipkart or Amazon, or you want to make a smooth transition to your own website, please feel free to connect maybe post lunch, post session. Yeah. What's the name of the brand? Google Brain. Gopi Prem. So actually I run three brands, Basabi and Gopi Prem and My Nightwear, all three into different categories. Yeah. All three are basically in shop tech. Thank you panel for your kind sharing and introduction. Much appreciated. And moving forward, I just want to give you a format of this discussion. So we're gonna take a couple of questions, and I'm gonna put it across all the experts, and then after we'll pick a couple of questions from you so that you can get the answers for which you are here today. So I request all the panelists to give the answer in short, so that we can take as many as questions today. So for my first question comes to you, Narendra. So we see a lot of agility in fashion industry since you are there. Trend is keep changing in every 5 to 6 months. So how technology is helping you to manage that agility, and you are coming up well with, you know, managing all this trend changing challenges in your organization? Journey of e-commerce. Sure. I think many of the sellers would be in e-commerce apparel industry, I believe, and would relate to the problems or the trend changing capacities in, let's say, next 2 to 3 months, and we have our own set of challenges. So yes, definitely agility plays a very big factor when we are into this industry. Since I am not from fashion industry, I am a CA, I had never had that fashion industry experience. But yeah, so when we started off, never no idea which print, which pattern, which particular fabric will work well with me. But in fact, after 3 months, our team came to a conclusion, whatever print I would like, I think, or don't like, would be a super hit collection. So that was my taste. But eventually, I think D2C ecosystem has evolved in last 3 to 4 years. Customers are leaving a lot of digital footprint all around, particularly from social media, and I think taking the data driven insight or using that data was my plus advantage. I tried to, you know, see through data, particularly started with Excel,
MS Excel, try to collect all the data which sizes are working well, which particular patterns are working well. Try to, you know, take the data into your decision making process rather than gut. I'm a particular data guy. So try to ensure whatever data comes. And ideally it was all manual, but I think from technology evolution stage, particularly ShopTech or maybe e-commerce, all the data which the customer is leaving as a digital footprint would be captured, and it's up to you how to analyze it and what particular insights you get out of it. Particularly the issues with fashion industry is either out of 10 catalogs, I'm sure only 2 will be a hero SKUs and 8 will be like a slow moving or non moving thing. So the stock issue is already there in 8 out of 10 items, how to, you know, but quickly replace them. But at the same time, the remaining 2 are SKUs, hero SKUs will go stock out very, very fast. So supply chain management with data management is one particular thing. I think data driven supply chain planning is very, very important. And that has helped us to maximize our sales out of those 2 hero SKUs so that they cover up for the lost sales of the rest 8. So that was one thing. And I think given the technology evolution, a lot of data is being captured, yeah. And it's up to us that someone collects those crucial data points and brings us in a way that we are able to make conscious decisions. So in that sense, I think this fashion industry can be with the help of technology. Data can help us to interpret the trends, and based on that we can take the right decision. That's what it is. More about the trend of what we No, so particular trend, so what happens is we try all particular trends which are, let's say Afghani pants are really working well, or let's say quads are working well. So which particular are either the pastel colors are working well or the open shrug types are working well. So what we do is one particular SKU will be mapped to all the particular characteristics. Let's say it's a kaftan, it's a pastel color. So I particularly work on mode rather than mean and medium. So whatever is working, let's say double XL sells very, very fast. So I know I need to go to the higher sizes. And similarly, let's say out of all the sales, let's say 60 or 70% came from pastel colors. So next collection needs to be inspired from that data, and particular, let's say print or fabric or customer ratings of cotton are coming good, which means customer is loving our fabric. So we need to develop more of such fabric. So particularly data can help create our own strategy, particularly next collection, so that this time it's 2 out of 10, next time should be 4 out of 10. The hero SKUs. Thank you. I hope that answers to the question that we have asked. So basically, I think the point that you have covered is the data is the crucial factor that can help us to predict the trend, and based on that we can take the right decision so that we know we have the right inventory at the right time. Yeah. Okay. Thank you. True. So based on your current sales, we can predict the future, and then probably we can take the decision based on that. Also sure. Yeah. So, Pooja, my next question to you: in 0-1 journey, how does multi-channel selling help you to increase your sales to a larger audience? So, I started with Nykaa because I didn't have much knowledge on how to run my own website. Different agency used to tell me कि मेरे से marketing कराओ, ये मेरे से कराओ, मैं नहीं जाना है, मुझे पता ही नहीं कि मेरा customer क्या product लेने वाला है. तो Nykaa and Myntra, they helped me a lot in my starting journey, and they used to tell me कि पूजा, you need to stop this, these are your best sellers, you need to stop this, because I think कि मेरे जैसे आप लोग भी हो, पता नहीं रहेगा कि मेरा कौन सा product hit होने वाला है. मैं 100 garment बना रही हूँ, पर 100 garment में मेरे कौन से 20% मेरे कौन से बेस्ट सेलर्स निकलने वाले हैं. तो उसने मेरे को Nykaa एंड Myntra दे हेल्प मी ऑफ अ लॉट. उनसे आई गॉट द एक्सपीरियंस एंड देन दे फिर मैंने खुद की साइट पर आई स्टार्टेड रनिंग एड्स एंड यूजिंग लाइक माय लाइक माय आई हैव माय ओन टीम आल्सो आई एम यूजिंग डिफरेंट एजेंसीज फॉर माय मार्केट लाइक मार्केट परफॉर्मेंस और मार्केटिंग थ्रू गूगल व्हाट्सएप मार्केटिंग ईमेल मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग बहुत सारा मार्केटिंग होता है यहाँ पे. तो समय पैसा बहुत इन्वॉल्व होता है ना. मुझे पता है कि आप लोग
के पास मैं थी उसी जगह पे थी, इतना अमाउंट नहीं था, अभी मैं 1 crore स्पेंड करती हूँ एक महीने के अंदर, अभी मुझे 1 crore कम रहता है। मैं पहले कोई 1000-2000 खर्च करती थी, सोचती थी क्या कर रही हूँ मैं, तो मेरे पेरेंट्स से बोलते तू 1 crore पे खर्च कर दे तूने मार्केटिंग पर, अभी मुझे वो अमाउंट 0 लगता है, मैंने कहा क्या है मुझे अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो मैं आप लोग भी डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा प्रीमियम है तो गो टू नायकॉन, मिंत्रा, असर फैशन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साइट्स है, उनसे आप नॉलेज गेन करो वो कैसे परफॉर्म करते हैं, वही नॉलेज एंड डेटा यूज ऑन ऑन वेबसाइट एंड आज योर लाइक मार्केट प्लेसेस टीम जो मार्केट परफॉर्मेंस मार्केटिंग टीम को बोलो कि मेरे ये प्रोडक्ट को आप ऊपर हाईलाइट करो, बाकी को नीचे करो, और बाकी टीम आपकी और ग्रो हो जाएगी, जब आप प्रॉफिट मेकिंग में आ जाओगे सब चीज़ अच्छा हो जाएगा। तो आई थिंक मार्केट मल्टीपल चैनल्स होने चाहिए क्योंकि आपको डेटा मिलता है, डेटा आपके लिए गोल्ड है, जैसे कि गोल्ड का प्राइस कुछ ज़्यादा हाई जा रहा है, वैसे ही आपका इनसाइट होगा, डेटा होगा आपके पास में कस्टमर का, तो आप लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। आई होप मैंने क्लियर किया है। ट्रेंड ऐसे एनालाइज होता है सर, हम लोग जैसे कि मैं क्लोथिंग लाइन में हूँ, मेरा द बेस्ट बेस्ट सेलिंग इज साड़ीज, तो आई नो कि मोस्टली आई मेक गर्लिश प्रोडक्ट्स, मुझे इफ आई एम एट 50 इयर्स ओल्ड ऑल्सो मुझे आई वॉन्ट लुक लाइक यंग ओनली, मुझे वो मुझे कुछ 50 साल में मुझे बोले आंटी मैं नहीं सुनूंगी, तो मुझे अपने ड्रेस से ही वैसा लगाना है कि तो मैंने सोच रखा है, तो ब्रांड का सेटअप भी मैंने वैसा कर रखा है कि मेरी मम्मा है वो मेरे क्लोज फ्रेंड है, कि मम्मा भी मेरे मतलब अगर 55 की है तो कम से कम 40 की लगे, तो जो आप ट्रेंड सेटर बोल रहे हो वो हमारा प्रोडक्ट है कि मैं प्रोडक्ट को कैसे लेकर आ रही हूँ। सपोज ये कुर्ती बेच रहे हैं, इनका मार्केट 400-500, मतलब जो कस्टमर लेगा इनका AOV 1500 होगा, मेरा AOV है 4999, दोनों के कस्टमर अलग अलग है, मेरा थोड़ा प्रीमियम में जा रहा है, इनका मतलब कि जैसे कि has a very exciting category, and I think that's a very emerging category as well if you look at the current market scenario. So Shubham, in the handwear market, which is actually witnessing a very high consumer adoption nowadays, so how you are coping up to cater that demand with the help of technology? Yeah, so first of all, handbag is an emerging category because people are becoming more aware of their safety, they are more concerned about themselves, their loved ones. So yeah, it's an emerging category, but back, the people were bahut kam, they were least bothered about the helmet. They wear better shoes than their helmet. Shoes ko wo monthly clean karte hai, helmets ko 2-2 saal wo change nahi karte, saaf nahi karte. Is category ke andar ek smart helmet leke aana Bluetooth enabled, 5000 rupaye ka helmet bechna, जहाँ रोड साइड पे 200-250 रुपए के हेलमेट बिकते हैं, मुझे एक ब्रांड बनाना था हेलमेट्स के अंदर, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ बाइकर। इन दिस डिजिटल एरा मैंने क्या देखा कि सबसे फास्ट ब्रांड बनाने का तरीका है ई कॉमर्स। ओके, सो आई क्रिएटेड माय वेबसाइट, आई लिस्टेड ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन, आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। वेबसाइट बनाने के लिए हमने ज़्यादा फोकस किया सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे, रादर देन डिजिटल मार्केटिंग। हमें कंटेंट क्रिएटर्स का कोलैबोरेशन करना, बिकॉज दे आर ऑलरेडी अ ब्रांड इन द मार्केट, दे आर यूजिंग एनी प्रोडक्ट, दे आर रेफरिंग आवर ब्रांड्स, सो दैट हेल्प्ड अस अ लॉट। आफ्टर
Like I am a biker, okay. So I used to use earphones in my helmet. I'm an engineer also. So I took headphones from the market and integrated in my helmet. So my fellow riders were also asking for the same helmet. So I thought this can be a next big thing, because apparel, shoes, and this is the Red Ocean. Okay, I wanted to do something in the Blue Ocean, create something different. That's how you can create a brand. Came on Flipkart. Initially you should go on the marketplaces, because everything is sorted there. Okay, everything is streamlined there. On website, you should go later on after 6 months or a year, and you learn all the basics of the e-commerce and everything. Shubham, I think the question is, as I understand from sir, that he wants to understand how did you get the first breakthrough, because the thought was there, innovation was there, but how did you manage to get that breakthrough, and what was the challenges that you have overcome? Am I right, sir? Yeah. So I'm very new in the business. I was an engineer. I need to know how to get the GST, how to list on the platform, do listings, ad spends. All I learned from YouTube, from my cell phone. I used to make initially the helmets from my hand, list on the portals, and ship them by my hand. That's it. Thank you. Headphones. Sure. Thank you. So Tushar, so I'm continuing the same question, because your category is also very interesting, which is belongs to the ancient India, Ayurveda. And when we see this space, it's too cluttered, and we see a lot of big brands. So how have you managed to come out your products as a, I mean, like how did you manage to make your space in this cluttered market, where there are the big brands already marketing their products heavily, and the market, of course, actually taking this product Ayurveda with the open arms, but coming up with a new product in this cluttered market is very difficult. So how are you managing to scaling up your business with this Ayurveda products? Right. I'll actually tell you, I have a humble background of 180 years. Like my great grandfather were established in Jaipur, and all were in Ayurvedic field. Like we still have a shop in Jori Bazaar. So I, from my childhood, I used to be sitting there, and I was actually very interested in Ayurveda from my start. But later I did my engineering. I'm an engineer by qualification, but still I was very much interested in Ayurveda. So while in my engineering second year, I just like by trying to learn how to make website and do everything, I made a website. And just for the learning, and left it for 8 months. So it was a learning project. And after 8 months, I opened the website and I see that there are many orders. It was on COD, obviously we didn't pursue them. But that got us an idea that there's a demand in the market, right? And being in with such a big history, our family has a very good eye on the materials they procure in terms of the quality, right? And in this field, I believe the quality is the main thing, because see, Ayurveda is very booming. And every bigger brand, even which was not in Ayurveda, are coming into Ayurveda because it is a very buzzing word. And like there are many things like not where many products which are not Ayurveda, but they are being termed as Ayurveda because they are like you can just put a single ingredient and the product goes Ayurveda. So that is like Ayurveda has been exploited in a way, and sometimes even people get that thing wrong, because if a product termed as Ayurveda goes wrong, the whole Ayurveda goes wrong, right? For people, and that sentiment goes on the way. So how we emerged in this field, we made sure that every product we ship to our customer is of highest quality, is Ayurvedic. We are not playing any games with the terms, and that obviously speaks off, because we have a lot of customer reference. Most of the orders are coming from a customer reference. We don't even have to pay for the marketing to make that happen, and that gave us very good insight that we are doing good, and obviously we get a very good response from our customers as well. They will say, like, I got a message from customer saying that please, aapki brand pe mujhe bilkul 100% bharosa hai, aap aise hi product hamesha rakhna, don't go anywhere wrong in the future,
just because of the profitability mistake. And वो चीज तो that motivates us to the core. वो इससे better कुछ हो ही नहीं सकता. Not of profit, nothing, not the order numbers and everything. वो ही चीज continue होती रहती है. And वो अब तो खून में आ गया है कि भाई product वो तो best हो. Obviously we do lot of raw material itself. So बस main चीज I believe what is the quality. Second is obviously the distribution. जब आप D2C में आ रहे हो, when you are not doing an offline business, you are D2C. So it's mandatory that your product is accessible as well as affordable. So we make sure the product affordable be right. It's not going very exorbitant prices. Or product accessible so that you can order in form of you within a few days. So we obviously got our product delivered in many many locations so that the customers can easily find and get them the orders very fast. So these are things which help us to grow, and we are like still scaling. And I hope we even get to these close brands. Can we take the questions in the last? Thank you. Thank you for cooperating. Thanks. So, since we're talking about 0-1 journey, and we are seeing, you know, people who are present today have, you know, started their journey of e-commerce, but they are not sure how to scale their business, how to grow where they are right now. So how they can actually, you know, take a flight from here and can make their e-commerce journey seamless, and then can definitely see the path ahead. So I think e-commerce, if I were to bucket, not the B2B business, but I think the B2C part, Amazon, Flipkart is one bucket and D2C is one bucket. In terms of 0-1, for all our clients also, we do not always encourage that you try first on Amazon. You get to some order stage there, because you will realize the nitty-gritties of e-commerce. Which product is picking, what designs are picking, how much inventory kaise manage karte hain, RTO kya hota hai, return kaise kare. Once you get a business there, I think the next progress, right, it depends different for different brands. Some might be like, acha mujhe day one se D2C karna hai, some might be like, nahi, acha se bahut acha chal raha hai, D2C karna hi nahi hai, kyun mai customer calls handle karu, kyun mai karu, right? So I think every brand has a different thing, but I think technology really helps enable all of this really well. So I think my take on that is just the same. Okay, got it. Thanks so much. Actually, you know, my question is, because when we talk about scaling the business and increasing the sales, which is the elementary part of it, and we talk about going wide with the marketing front, right? We talk about running ads on different platforms, and then we juggle up with multiple things. How we can manage this marketing mix? What is the first approach that anybody should take when they are starting off their journey from 0-1? So, मैं पीछे के साथ इस continue करना चाहूँगा, क्योंकि because marketplace is the thing जिसमें सबको पहले जाना चाहिए to understand all the basic things and to be advanced thing. पहले हमें website से समझना चाहिए कि हमारे consumer mindset कहाँ है. मैं बोलूँगा कि आप जितने भी Shark Tank के episodes देखो, तो वहाँ पे अभी भी 70% sales coming from the marketplace. And 30% is B2C, and it depends upon the product as well. If you are having the premium product, तो Myntra Nykaa पे आप जा नहीं सकते. तो you have to start with your website. तो आपने website create करी, then you go with the premium product. Suppose आपने apparels में जाना है, तो apparels में अगर आपका lower market, it's like up to 1000 rupees, up to 500, do not go with the website. First struggle with the you can say marketplaces. Then create your brand. Something something की वहाँ पे भी जो लोग Amazon से buy करते हैं, उनके mind में तो आ जाए कि this is the brand, so that आप उसको retarget कर पाओ, remarketing कर पाओ. And अब आपके कुछ product ऐसे niche market के आ गए जहाँ पे आपको D2C पे focus करना है. Do not go with the Amazon and Flipkart. Suppose यहाँ पे जैसे कि Bluetooth का बात करा, Bluetooth helmet. So Bluetooth helmet is a very good product. For my experience कि आप उसको D2C के through program करो. UGCs बनाओ, different collab करो influencer marketing के साथ, so that brand awareness है, product awareness है, so that उसके बाद आप Amazon को इसको funnel को cater कर सकते हो. So मेरे पास ऐसे brands हैं जो कि मैं D2C से brand से मैं funnel create करता हूँ Amazon Flipkart पे.
एंड कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो अमेजन फ्लिपकार्ट से आते हैं और हम D2C पे केटर करते हैं. टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी वी कैन गो विद द D2C ब्रांड ओनली, जहां पे हम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के थ्रू हम उसका मार्केट केटर करते हैं. Got it. So you're saying that we can start with the marketplaces, starting off with Facebook and Instagram. No, starting with the Amazon, Flipkart. Okay. So we need to start the ads on the Amazon and all marketplaces first, and then after we need to switch to the Facebook and Instagram. True. It's not like इस साल मैंने Amazon और Flipkart start किया. It's maybe the simultaneous after 3 months. Okay. So getting the knowledge about the order pack कैसे हो रहा है वो कैसे पता चले. Is there any KPI जिसके बाद मुझे पता चल जाए मुझे यहाँ से shift करके Instagram या Facebook पे जाना चाहिए? Yes, like मैं तो बोलता हूँ एक thumb rule है, up to 5 lakh rupees per month की sale तो आप करो marketplaces में, then go ahead with the D2C thing, क्योंकि 5 lakh में जो net profit आता है marketplaces is around 10 to 12%, so 10-12% like 60k तो आपकी profitability है. अब आप लगाओगे ना किसी भी वेबसाइट पे 1 लाख की वेबसाइट का आप चार्ज करोगे मार्केटप्लेस एजेंसी, इवन आई एम आल्सो द ओनर ऑफ द एजेंसी, तो एजेंसी भी तो 2000-3000 पर डे का चार्ज करेगी, तो इट्स लाइक 90,000 प्लस 60,000 आप एक इंसेप्शन में लगा रहे हो, तो उसके लिए कुछ तो नहीं है. और इंडियन माइंडसेट है कि मुझे 10 लगा करके 12 तो चाहिए, 10 का 9 मत करना, तो सो दैट कि वो माइंडसेट क्रिएट करने के लिए मार्केटप्लेस इज वेरी गुड. एंड आफ्टर दैट यू कैन गो अहेड विद द सेम सीआर के कैंपेन स्पेंड हो रहे हैं यहां पे, तो लाइक कि सबके लिए इंस्पिरेशन है, तो वी कैन गो बैक. हाउ कैन वी मेक श्योर दैट वी आर ऑन द राइट पाथ, स्पेशली व्हेन वी लुक एट द आरओआई ऑन दिस स्पेंड? बेसिकली ऑन द एजेंसी साइड वी कैन टारगेट अप टू आरओएस ऑफ 5 to 10, सो लेट्स से 20% ऑफ एकॉस, लाइक 20 रुपए लगा करके 100 रुपए का हम सेल कर रहे हैं, तो इट इज काइंड ऑफ दी जहां पे आप एक तरीके से आप ग्रो कर सकते, और उसके साथ साथ आप आगे और ग्रो करोगे अपॉन दी प्रोडक्ट. अगर आपने प्रोडक्ट समझ लिया है, कंज्यूमर माइंडसेट समझ लिया है, तो आप काफी लेवल पे ग्रो करोगे. स्पेंडिंग, या इट्स अ एक्सपेरिमेंट. अनफॉर्चुनेटली फेसबुक की जो फ्री की अकाउंट्स आप लोगों ने ऑन किए थे 10 साल पहले वर्कआउट के बाद, तो वो आप कैश इन हो रहे हैं, तो अगेन मैं वही कहूंगा कि स्पेंडिंग इज द मेन थिंग. But I am seeing a major change in focus in consumer getting their orders from the marketplace. So let's say when I used to work with a company based with IFR product. So then the aspects were not a business actually. They started gradually. But say Amazon started gradually charging for ads well from Amazon drivers. Obviously I bought it in this kind of Amazon. I still remember, I think 10 years back, or maybe 8 years back. The first order which I received was a very random order. A very random search someone might have done on Amazon. Or maybe Flipkart, and I received that order. Because of the way the data gets transferred, and let's say Paytm bought that data, or Amazon bought that data, or maybe some other marketplace bought that data. So that's how people kept on, you know, calling me that please get your product listed on such and such marketplace, and I was through and through with the process because I had one mastermind like with me. But now the user journey has changed. And my question is to both of you rather, as you play with the same segment, or maybe sabse shayad, aap se bhi aur aap se bhi, wo the user journey hai, ek product list ho gaya hai, ek to aap bhagwan bharose baithe rahe ho ki kab order aayega. And the second part is ads, you know, run the ad campaign. Right. Otherwise, there is no means for people like us to gain orders. So, which means, don't get the paise se paise bana. Is that spend more on advertisements and then fetch the order? So, the regularity of business depends on only this, number one. And is there any way that we can change the, you know, this journey of getting the consumer on board? Because every agency, I mean, not yours, you know, every agency that we have spoken with, I'm sure maximum of, you know, us had a word with the agencies. They say that, you know, ad spend karna padega, spend karna padega. Wo to main hi karunga. Demographic details Facebook pe mujhe mil jayegi, Instagram pe demographic details mujhe mil jayegi. So these are 2-3 questions that you want to understand so that we don't miss out anything when we are on our way to be a D2C brand. Especially about our use case, because maybe
either of them will agree to what I asked right now. So basically, you are means 90% right. He had spent करना पड़ता है. मेरा इसमें call क्या रहता है कि benefit of ads जो लोग optimize कर रहे हैं वो नहीं देख पा रहे. It's like it's not ad spend, it is a attention spend. आप इसको attention की तरह grab करो. Even Instagram, TikTok, Facebook, Amazon, Flipkart, they are not charging for the clicks. They are charging for your attention. And these marketplaces and these social media, they are bringing back the more and more features so that aapka attention grab. You do not want to invest 14 minutes on YouTube video. You can invest 30 seconds. Aapko YouTube short 30 seconds ka investment part banega. And why you are spending it? Ye winning-winning hai. Win-win hai. It's not the aap sirf spend kar rahe ho ki aapko lag raha hai ki marketplace de raha hai. Aap apne attention ke liye spend karwa rahe ho. Kisi bhi marketplace mein. And how you will cater that? और आपका ROI कैसे बन रहा है वो मेजर प्ले अराउंड है. मार्केटिंग एजेंसी सिर्फ इट्स अ इनेबलर. इट्स लाइक कि उनकी एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम कितना अच्छा एड चला सकते हैं. एंड ऑर्गेनिक के लिए यू कैन मीन्स आपको भी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी थ्रू मार्केटिंग एजेंसी. जैसे हमारे साथ क्या होता है, हमारा मेन गोल होता है प्रॉफिटेबिलिटी, नॉट कि आपने स्केल अप कर दिया. कस्टमर आस्क्ड अस फ्रॉम दी कि आपको स्केल करना है. हाँ करना है. प्रॉफिटेबिलिटी नहीं चाहिए, ठीक है. हम मेल पे उनको कन्फर्मेशन भेजते हैं. Sir, we are spending this amount and you will get the like 40% of ad spend. So, unka kya hoga? Long goal hota hai. So, long goal ke basis pe you can give us ki aap saal bhar ka plan bana ke chal rahe ho, 2 saal ka plan bana ke chal rahe ho. So, depend karta hai aapke marketing spend. So, it's not always ki aapko more spend, more sales ka part. It's not that. I think mere thode isme bahut sare views hain. First of all, glad that he has been able to run it organically right from day one. His eye with the brand, that is just tremendous. Working with 5,000 brands, I know for a fact that yaar hit hona jo hota hai na, ki maine bas website bana di, aaj maine atishay.com banaya, kal se order aa gaya, ya 8 mahine baad bhi order aa gaya, nahi hone wala hai. Unless you have a very unique product, like a helmet, right? A Bluetooth enabled helmet, it's revolutionary. Right, so organic traffic aayega, but when it comes to products, generally apparel, lifestyle products, right? Unless you build something revolutionary, wo organic hit aana bahut mushkil hai, right? And I'm not saying marketing is the only way. I think organically grow karna, building your SEO right from day one, having social media content being put in, influencer marketing is a thing which is coming in, right? Influencer marketing से ROI शायद instantly नहीं मिलेगा, but your content is out there and that is very important. आप content आपने डाल दिया है, right? I'm not saying कि value जाएगा तो, but it is important कि brand content है वहाँ, so people कभी ना कभी आपके देखेंगे, वो कहीं ना कहीं वो जब click conversion ad चलाओगे, तब customer को याद आएगा यार मैंने देखा है ऐसे, मैंने उसको देखा था वो influencer था. It indirectly impacts your ROAS. So I think there are multiple ways to go about it, but आप वो hit product aspirational hota hai and that is why for 99% of the brands it is important to just be out there. Like sir ne bola Facebook order ke liye charge nahi karte, Facebook CPM bolta hai 1000 customer ko dikhane ke liye itna rupaye lagega, mujhe metro cities mein dikhana hai, age ye dikhani hai, female gender dikhana hai because RTO kam hoga, aapko 100 rupaye itna 100 rupaye ka CPM 50-150 jo bhi lage. So I think it's about the product, it's about the brand and how it personifies. A quick start is definitely marketing. But struggled process possible hai, but wo bahut bada struggle. Right sir, I believe aapka jo basic question tha, it was something like ki how can we get the first order without marketing? I believe it was round to that. So what I believe, if I was to start from day one, aur mere paas kuch bhi nahi hai to start, only product hai, product to hoga is theory. So aaj ke like time pe you have very good distribution of content. So like I as a consumer of it, reels abhi like I am getting a Miss Cheesecake ka bahut viral chal raha hai like that. So she is not paying anything anyone to get her content out ya khud ki marketing, but she is getting a wholesome audience because she is creating her own content. Obviously algorithm is like samajhna bahut easy nahi hai, but if you keep trying you may get to that point, right? And jab aapke paise nahi hai aapko kuch karna hai to kuch na kuch karte rehne wala scene hi rahega. And अगर आपके ऐसा है, you have that money, तो definitely you can put up into marketing or you can start getting orders.
फिर तो जैसा नॉर्मल प्रोसेस जो चलता है जो जर्नी है रहती है बट इफ यू आस्क मी हाउ वुड यू गेट दैट फर्स्ट ऑर्डर विदाउट मार्केटिंग आई बिलीव यू हैव टू पुट दैट कंटेंट आउट वो ब्लॉग लिखो पुट दैट इन ग्रुप्स व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो कोरा पे डालो मल्टीपल सोशल बुकमार्क लिंक्स पे डालो गेट थ्रू एवरीवेयर जहाँ से आपको अपना ऑडियंस मिल पाए यूएनए वेबसाइट्स लाइक देयर मल्टीपल सो दिस दीज आर द सम वेज व्हिच यू कैन स्टार्ट विदाउट मार्केटिंग लाइक दीज आर द वेज जहाँ से आप ले सकते हो अर्लियर इन माय स्टार्टिंग डेज वी यूज्ड टू आंसर लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दीज वेबसाइट्स राइट एंड दोज आल्सो गॉट अस ऑर्डर्स बिकॉज इनिशियली फॉर अ व्हाइल वी नेवर स्पेंड लाइक नाउ ऑब्वियसली वी डू स्पेंड फॉर एडवर्टाइजिंग राइट नाउ हमने कभी स्पेंड ही नहीं किया था बिकॉज आई नेवर पुट मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स टू डू एनीथिंग सब जो किया था स्टार्टिंग एज ऑल D2C founders do, वो खुद ही किया था एंड जो मिलता है जहाँ से कुछ YouTube वीडियो देख ली कैसे करना है क्या करना है जस्ट डू इट लाइक जहाँ पॉसिबल हो गो एंड हिट इट और कहीं ना कहीं से तो ट्रैफिक आएगा यू गेट द ट्रैफिक यू गेट दैट ऑर्डर जस्ट दैट बी ऑथेंटिक इन दैट वे ये ही आदमी की इज द फर्स्ट वे सो या टू गेट द फर्स्ट ऑर्डर लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड फोकस ऑन योर कैटलॉग कैटलॉग इमेजेस A plus content, video should be there. You have to educate your customer. And secondly, you have to focus on the keywords. Okay, so that nobody is talking about today. Everybody is talking about that marketing. You have to move focus on SEO, keyword optimization. You have to do it regularly. That's what I did for 2 months. I didn't even spend for 2 months. I got organic order from that. फर्स्ट ऑर्डर मेरा ब्रांड था नोरे 21 जो मैंने नवंबर 2023 में लॉन्च किया था मेरे को सेकंड डे ऑर्डर आ गया था बिकॉज मैंने फोटोशूट पर अच्छा स्पेंड किया था आप लोग भी करोगे अपने प्रोडक्ट के लिए अच्छा फोटोशूट कराओगे वो सब हमारे इन हाउस टीम ने करा था तो मेरे को सेकंड डे ही ऑर्डर आ गया था और फिर जैसे 15 डेज बाद मेरे को 25 ऑर्डर्स पर डे हो गए थे तो उसके लिए हम क्या करते थे कि हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग यूज कर आपको करनी चाहिए आप लोगों को भी इसके अंदर वो आपसे 6-15% चार्ज करेंगे ऑन डिलीवर प्रोडक्ट्स आप मार्केट में बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स हैं आप उनके पास जा सकते हो वो खुद भी आपको अप्रोच कर देंगे आप लोग अगर आपका अच्छा हर जगह अफेयरेंस आप रखते हैं तो आप इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर अच्छा है आप खुद के अपने प्रोडक्ट्स बना सकते हो वीडियो शूट कर सकते हो इन हाउस मार्केट प्लेस है फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको मतलब प्रोडक्ट बना के देना है उनको तो आप मार्केट प्लेस पर अच्छा गेन कर सकते हो कोई पैसे तो लगेगा नहीं पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं शूट पे पैसा खर्च करो अगर शूट पे नहीं कर रहे हो फिर तो आपको मार्केट मार्केटिंग भी डिपेंड करना पड़ेगा My journey particularly, again, marketplaces, I never had any advertisement spends. For 6 months, 3 crores के आसपास का turnover किया, all organic. Meesho, Flipkart, Amazon. What I understood is, once you get to that advertisement logic, system automatically detects that you are into advertisement space. So, they will only give you orders once you start advertising. So, even today, I think 50 to 70 orders per day Flipkart with zero advertisement, just that of the product quality score, which is like consistently 4.5 star. So, product is the key, definitely shoots play a very important part. Just that when your another question comes that marketing ko hum bhi kar sakte, what any particular person will do is particularly maybe aapko ek ya do logo ko hire karna padega. Aap particularly full time aap nahi kar sakte. Aur isme bhi रील चलानी है कैंपेन चलाना है कराउंसल चलाना है कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है इंटरेस्ट बेस सीपीपी कितना आ रहा है कैन चेंज द स्ट्रक्चर कैन वी चेंज द ऑब्जेक्टिव एक्सेट्रा तो ये सब चीजें हमें नहीं पता होती व्हेन वी स्टार्ट सो पैसा कोई भी बर्न कर सकता है 10,000 लोगों को दिखाना है लेकिन कौन से 10,000 लोगों को दिखाना है वो पर्टिकुलरली अगर एक्सपर्ट से करना है तो हमें धीरे धीरे नॉलेज आएगी दैट इज वाई any particular agency or maybe any technology platform comes in but yes website pe ya B2C pe you have to have ads just that the virality factor so CPM see aap 150 rupees per pe bhi order la sakte ho 20 rupees pe bhi kurti jaise category mein order la sakte ho just that ki 20 rupees pe aapko kya aisa dikhana hai customer click karega that virality comes from that ad content which is very very important aap general photo shoots डालोगे नहीं आएगा क्या आप वायरल फैक्टर डालते हो तो उससे ऑर्गेनिकली फेसबुक भी अपने आप लोगों को दिखाया था इन एडिशन टू योर मार्केटिंग स्पेंड दे विल शो इट मोर थैंक यू सो मच आई थिंक अब हमें 0 to 1 की जर्नी नहीं 0 to 100 की जर्नी करनी चाहिए
after these insights. So we take a couple of questions here. उसमें आप कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर जैसे बड़े बड़े H&M ज़ारा का करते हैं कि लोग पहले ही सब कुछ ऑर्डर्स अपने पास एक साल पहले बना के रख लेते हैं फिर उनको पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एक साल पहले तो वही स्ट्रेटेजी आपको अलग दिन में बनानी है दो शूट करने साल के मेरे को फर्स्ट सिक्स मंथ में मेरा समर कलेक्शन आ रहा है मेरा भाभी से भी राखी आ रही है फिर अपने गणेश चतुर्थी आएगी फिर दिवाली उससे पीक टाइम रहता है इंडस्ट्री के लिए सब इंडस्ट्रीज के लिए तो हमें जब आप नेक्स्ट शूट प्लान कर रहे हो उसमें आपका राखी और आपका गणेश चतुर्थी कपड़े नवरात्रि कपड़े और दिवाली ये आपका हो जाना चाहिए और विंटर भी अगर आप करते वेलवेट वगैरह तो भी कर सकते हो फिर जब जो फर्स्ट जनवरी टू मई का जो होगा शूट वो आपका होना चाहिए कि मतलब कि वैलेंटाइन डे पे गाउन्स वगैरह बनाते हो तो गाउन्स वगैरह लॉन्च कर सकते हो होली के लिए व्हाइट कपड़े कर सकते हो फिर समर ज़्यादा अच्छा पर समर के अंदर वो कॉस्ट में काम करना पड़ेगा तो कोई भी आपका चार पांच ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेने वाला उनको चाहिए 1500-2000 बेचो और मैं ले लूँगी मुझे गरीब बैठना है समर में बाहर मुझे घूमना नहीं तो आई थिंक आपको दो शूट करने हैं तो दो शूट आपको उसका तो पैसा बच जाएगा ना कि मैं वैसे प्लान करो और लॉन्च वैसे ही करो ना 15 प्रोडक्ट शूट करो आप 100 गारमेंट्स एक साथ शूट कर लो और उसको डिवाइड करो कि मैं किस कौन से मंथ में कितने लॉन्च करने आ रहा हूँ एक और क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि साड़ीज आपकी बेस्ट सेलिंग है तो जैसे मैंने फाइंड आउट किया है कि मैं यदि ट्रेडिंग करता हूँ मतलब मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा हूँ तो एक टाइम के बाद वो लोग खुद डिसकंटिन्यू कर देते हैं उन प्रोडक्ट्स को तो फिर उस सिचुएशन से मतलब अपने यहाँ पर तो बेस्ट सेलिंग होता है बट दे डिक्रीज द क्वालिटी दे डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट्स उस सिचुएशन को ऊपर कैसे डील करें मतलब उसमें क्या सप्लायर कैसे ढूंढे हैं आपको अगर आपको इसी फॉर्मेट में ही जाना है कि मेरा प्रोडक्ट मुझे वही प्रोडक्ट हर टाइम रन करना है तो आप अपना खुद का इन हाउस टीम बनाओ या बहुत सारे जॉब आपके भी जयपुर के अंदर भी सांगा ने पूरा बाईस गोदाम पूरा या भरा हुआ जॉब ऑफर से आप उनसे रीच आउट कर सकते हो और उनसे अपना प्रोडक्ट पैकिंग करा के और आप खुद पेमेंट कर दो जॉब आपके आप काम करवा सकते हो पर उसमें आपको थोड़ा इनिशियली आपको मर्चेंडाइजिंग वगैरह काम करना पड़ेगा करना पड़ेगा अगर आप तो उसमें सही रहेगा डायरेक्टली आप किसी से लोगे आपको तो अपना स्टॉक आउट करेगा उनका इन हाउस करना पड़ेगा Just to add on in her answer, मतलब मैंने जो देखा again you are very very right कि रोज नया नया कुछ मांगते हैं customers right तो prints ऐसे हो जो timeless हो classics हो stripes हो जैसे very very fine polka dots हैं या some safe catalogs उसे क्या होता है you ensure that product life is stronger आप उसको 6 महीने तक एटलीस्ट चला सकते हो साल भर उसके बाद colors change कर दिए so those variations can come out later थोड़े आपको आपके कैटलॉग में 20-30% क्लासिक्स रहेंगे तो इन्वेंटरी ऑब्सोल्यूशन का चांसेस थोड़ा सा कम रहता है जस्ट दैट यस यू नीड टू टेक आउट कलेक्शंस शूट्स आप एक साथ करा सकते हो बट यस आपको लॉन्च धीरे धीरे टाइम टू टाइम करने पड़ेंगे सो दैट देयर इज अ फ्रेशनेस एवरी टाइम इन योर वेबसाइट और लेट्स से इन योर प्रोडक्ट कैटलॉग तो वो आपको इंश्योर करना पड़ेगा प्रॉपर इन्वेंटरी प्लानिंग से जैसे आप 100 पीसेस ही बनवाएं बहुत ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट ना करें एंड देन यू सी बट अगेन यू हैव अ बैक स्टेज रेडी जैसे कपड़ा डाई पे है या स्टिच पे है वंस इट गोज वायरल यू आर ऑलरेडी एनकैशिंग ऑन दैट अपॉर्चुनिटी एंड इफ नॉट यू पर्टिकुलरली हैव अ बैकडोर प्लान कि आपके लॉसेस बहुत ज्यादा नहीं होंगे our panelists will be around so you can ask we'll take last question please from the back please allow us to ask a question okay मैंने मार्केटिंग की ऑर्डर ट्रैफिक लिया अपनी वेबसाइट सबसे बड़ा इशू होता है ट्रस्ट इशू वो कहते हैं Amazon और हम आपकी वेबसाइट से क्यों ले आप प्रोडक्ट डिलीवर करोगे नहीं करोगे उस चीज का सलूशन क्या है हेलो यू आर एब्सोल्यूट राइट सर वेबसाइट पे द मेन फियर इज कस्टमर डिलीवर भी होगा नहीं होगा राइट और
सो देखो देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू फर्स्ट नीड टू एंश्योर कि आपकी वेबसाइट जेन्युइन हो, ऑल द सैनिटी चेक्स आर देयर, कि एसएसएल हो, एवरीथिंग इज देयर. वो तो चलो फिर भी स्टिल दिस वो हो जाता है आजकल, लाइक एवरी रेडीमेड सॉल्यूशंस ही है, शॉप टैग वगैरह आई थिंक सब हो जाएंगे, बट स्टिल कस्टमर लाइक प्रोडक्ट भी डिलीवर होगा नहीं होगा. I think for this you need to have some social proof. Social proof as in आपके Instagram पे कितने followers हैं, आप कितने interact कर रहे हो, आप लगो like if let's say your brand is somewhere X Y Z, तो बंदा Google पे जाके X Y Z search मार रहा है, तो he finds something कि हाँ this is a genuine brand. और चलो ये इसकी website ही नहीं है, आप list करो Amazon पे भी, तो he would be like कि brand है ये, एक वो नहीं कि website पर आई और like maybe just take order और delivery नहीं करेगा. अगर बैंड है वहां भी भेज रहा है तो माइट बी टू जॉइन और गेट सम वीडियोस फ्रॉम सम मे बी क्रिएटर्स कि या दिस इज आवर ब्रांड, दिस आर द प्रोडक्ट्स. सबसे बड़ा इशू कस्टमर का एक जो होता है ऑनलाइन में कि भाई प्रोडक्ट दिख तो रहा है, फील कैसा होगा, स्किन को होगा कैसा, समवेयर यू हैव टू वर्क अराउंड दैट कि प्रोडक्ट दिखे, कि आप कैसा दिखेगा आने के बाद, चाहे वो फोटोशूट्स में हो चाहे वो वीडियो में हो. आई बिलीव वीडियो इज द बेस्ट वे, रिव्यूज आर द मेन थिंग, बट सिर्फ वेबसाइट के रिव्यूज पे कोई इतना ध्यान नहीं देगा, वो सबकी वेबसाइट पर डर जाएंगे. यू नीड टू हैव सोशल प्रूफ आई बिलीव फॉर दैट, कि आपको जाके सब क्रिएटर से वर्क करना पड़ेगा कि थोड़े प्रोडक्ट दिख रहे हैं, लाइक कोई आपके बिहाफ पे बोल रहा है कि ये एक्चुअल प्रोडक्ट है, ये ब्रांड है एक्चुअली, और ये प्रोडक्ट वेबसाइट आपको डिलीवर कर देगी. समझे और फिर सी डी आप रखना जरूरी है, अगर आपको प्रीपेडी रखू तो फिर तो कस्टमर ट्रस्ट जीरो हो चुका है, कहेंगे कि भाई आप प्रीपेडी कर लो. सी डी इज समथिंग लाइक कि यू विल टेक ऑर्डर फ्रॉम सी डी, लाइक नहीं आया तो नहीं आया, एटलीस्ट आई एम दैट सेफ. तो वो thing you have to keep in mind. और फिर एक बार customer जुड़ गया, वो आ जाएगा, and then you have the customer reference as well. तो that would work that way. So this is my insight over there. So basically इसको हम UGC कहते हैं, जो कि trust के लिए भी काफी चल रहा है. इसको user generating content हम कहा जा रहा है. तो brand के बारे में एक यूजेबिलिटी वाला वीडियो आप बनवा सकते हैं, जो कि एक आपकी और मेरी तरह एक पर्सन होगा. सपोज मैं बेल्ट सेल कर रहा हूँ, तो बेल्ट के साथ जो स्ट्रगल हो रहा है ना, वो दिखाना है कि ये बेल्ट है, ये है. तो एक कंटेंट बेस्ड जो मार्केट चल रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट है. अगर कंटेंट नहीं है ना, तो यू आर एक्स वाई जेड ब्रांड, तो वो आपको फाइंड आउट पहले करना है. ट्रस्ट आपका सोशल मीडिया चैनल्स है, जैसे मैंने आप देखोगे बहुत सारी वीडियोस बनती है जहाँ पे आप ऑर्डर्स पैक कर रहे हैं, आपने अपने वर्कर के साथ वीडियो बना ली, आपने खुद के साथ वीडियो बनाई, जहाँ से आप सोर्सिंग कर रहे हो. मेरे एक क्लाइंट थे जो झांसी में रहते हैं, वो हर बार जयपुर में जब आते थे तो वो प्रिंट्स होती है यहाँ पे, हैंड प्रिंट्स होते हैं, आपको पता होगा जयपुर में, तो वो उनकी वीडियो बना के ले जाते थे, और आप ट्रस्ट में मिलियंस ऑफ व्यूज चले जाते थे, क्योंकि वो दिखा रहे होते थे कि मेरा प्रोडक्ट ऐसे बनता है. एंड ट्रस्ट मी, वो वहाँ पे वेबसाइट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि इतना वहाँ पे पीपीपीपी आ जाता है कि प्राइस प्लीज, तो वो वहाँ पे हमें डायरेक्ट करना पड़ता था ऑर्गेनिक को. मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई एड वगैरह नहीं रहता ऑर्गेनिक, और ये ऑर्गेनिक में भी कंसिस्टेंसी और वीडियोज रहे. ऐसा नहीं है कि एक वीडियो वायरल हो गई तो आपको लगा आपका ब्रांड शूटअप कर दिया. आप देखते हो शार्क टैंक में जब आता है तो शूटअप होता है, शूट हुआ है लास्ट ईयर पे दिसंबर में, और आप फिर उसको भूल जाते हो. अगर आज मैं पूछूं टॉप 5 ब्रांड आप बताओ शार्क टैंक, सब नहीं बता पाओगे. इट्स डिपेंड्स ऑन कि अटेंशन ग्रैबिंग बहुत स्लो हो गया है, और बहुत ही आप कह सकते हो मेमोरी लॉस बहुत जल्दी है. आज आप मुझे जानते हो, 2 दिन बाद आपसे नहीं जानते, मैं आपको बताना पड़ा ई कॉम में मिले थे सर, ये था वो था. तो इट्स डिपेंड अपॉन द कॉन्टेंट. अगर मेरा कंसिस्टेंट कॉन्टेंट आपके साथ है तो आप मेरे साथ ग्रो करो. Can we take the questions in the last? Thank you for cooperating. Thanks. So, since we're talking about 0-1 journey, and we are seeing, you know, people who are present today have, you know, started their journey of e-commerce, but they are not sure how to scale their business, how to grow where they are right now.
so how they can actually, you know, take a flight from here and can make their e-commerce journey seamless, and then can definitely see the path ahead. So I think e-commerce, if I were to bucket, not the B2B business, but I think the B2C part, Amazon, Flipkart is one bucket and D2C is one bucket. In terms of 0 to 1, for all our clients also, we do not always encourage that you try first on Amazon. You get to some order stage there, because you will realize the nitty-gritties of e-commerce. Which product is picking, what designs are picking, how much inventory kaise manage karte hain, RTO kya hota hai, return kaise kare. Once you get a business there, I think the next progress, right, it depends different for different brands. Some might be like, acha mujhe day one se D2C karna hai, some might be like, nahi, Amazon se bahut achcha chal raha hai, D2C karna hi nahi hai. Kyun mujhe customer calls handle karo, kyun main karu, right? So I think every brand is a different thing, but I think technology really helps enable all of this really well. So I think my take on that is just the same. Okay, got it. Thanks, Abhish. Gaurav, actually, you know, my question is, because when we talk about scaling the business and increasing the sales, which is the elementary part of it, and we talk about going wide with the marketing front, right? We talk about running ads on different platforms, and then we juggle up with multiple things. How we can manage this marketing mix? What is the first approach that anybody should take when they are starting off their journey from 0 to 1? So, main Tushar ke saath us continue karna chahta hu, because marketplace is the thing jisme sabko pehle jana chahiye to understand all the basic things. And to be advanced thing, pehle hume वेबसाइट से समझना चाहिए कि हमारे कंज्यूमर माइंडसेट कहाँ पे है। मैं बोलूंगा कि आप जितने भी शार्क टैंक के एपिसोड्स देखो, तो वहाँ पे अभी भी 70% सेल्स कमिंग फ्रॉम दी मार्केटप्लेस एंड 30% इज बी2सी, एंड इट डिपेंड्स अपॉन दी प्रोडक्ट एज वेल। इफ यू आर हैविंग दी अ प्रीमियम प्रोडक्ट, तो मिंत्रा नायका पे आप जा नहीं सकते, तो यू हैव टू स्टार्ट विद योर वेबसाइट। तो आपने वेबसाइट क्रिएट करी, देन यू गो विद दी अ प्रीमियम प्रोडक्ट। सपोज आपने अपैरल्स में जाना है, तो अपैरल्स में अगर आपका लोअर मार्केट, it's like up 2000 rupees, up to 500, do not go with the website. First struggle with the you can say marketplaces, then create your brand. Something something ki wahan pe bhi jo log Amazon se buy karte hain unke mind mein to aa jaye ki this is the brand, so that aap usko retarget kar pao, remarketing kar pao. And ab aapke kuch product aise niche market ke aa gaye jahan pe aapko D2C pe focus karna hai. Do not go with the Amazon and Flipkart. Suppose yahan pe jaise ki bluetooth ka baat kara, bluetooth helmet. So Bluetooth helmet is a very good product. For my experience, कि आप इसको D2C के through program करो, UGCs बनाओ, different collab करो influencer marketing के साथ, so that brand awareness है, product awareness है, so that कि उसके बाद आप Amazon को इसको funnel को cater कर सकते हो। So मेरे पास ऐसे brands हैं जो कि मैं D2C से brand से मैं funnel create करता हूँ Amazon Flipkart पे, and कुछ brands ऐसे हैं जो Amazon Flipkart से आते हैं और हम D2C पे cater करते हैं। To increase the profitability, we can go with the D2C brand only, जहाँ पे हम Facebook and Instagram पे through हम उसका market cater कर सकते हैं। Okay, got it. So you were saying that we can start with the marketplaces, starting off with Facebook and Instagram. No, starting with the Amazon Flipkart. Okay, so we need to start the ads on the Amazon and all marketplaces first, and then after we need to switch to the Facebook and Instagram. True. It's not like इस साल मैंने Amazon और Flipkart start किया. It's maybe the simultaneous after 3 months. Okay. So getting the knowledge about the order pack कैसे हो रहा है, वो कैसे पता चले? Is there any KPI नहीं जिसके बाद मुझे पता चल जाए मुझे यहाँ से shift करके Instagram या Facebook पे जाना चाहिए? Yes, like मैं तो बोलता हूँ एक thumb rule है, up to 5 lakh rupees per month की sale तो आप करो marketplaces पे, then go ahead with the D2C thing, क्योंकि 5 lakh में जो net profit आता है marketplaces is around 10-12%, so 10-12% is like 60k तो आपकी profitability है। अब आप लगाओगे ना किसी भी website पे, 1 lakh की website का आप charge करोगे, marketplace agency, even I am also the owner of the agency, तो agency भी तो 2000-3000 per day का charge करेंगे, तो it's like 90,000 plus 60,000 आप एक inception में लगा रहे हो, तो उसके लिए कुछ तो नहीं है। पर इंडियन माइंडसेट है कि मुझे 10 लगा करके 12 तो चाहिए, 10 का 9 मत करना,
so that वो mindset create करने के लिए marketplace is very and after that you can go ahead with the same CR के campaign spend हो रहे हैं यहाँ पे तो like कि सबके लिए inspiration है तो we can go ahead. How can we make sure that we are on the right path, especially when we look at the ROI on the spend? Basically on the agency side, we can target up to ROS of 5 to 10. So let's say 20% of ACOS, like 20 रुपए लगा करके 100 रुपए का हम सेल कर रहे हैं तो इट इज काइंड ऑफ जहां पे आप एक तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप आगे और ग्रो करोगे अपॉन द प्रोडक्ट. अगर आपने प्रोडक्ट समझ लिया है, कंज्यूमर माइंडसेट समझ लिया है तो आप काफी लेवल पे ग्रो करोगे. एक्सपेरिमेंट अनफॉर्चुनेटली फेसबुक की जो फ्री की अकाउंट आप लोगों ने ऑन किए थे 10 साल पहले वर्कआउट के बाद तो वो अब कैश इन हो रहे हैं तो अगेन मैं वही कहूंगा कि स्पेंडिंग इज द मेन थिंग. So then the ad spends were not a business actually. They started gradually. But say Amazon started gradually charging for ad spend from different types. Obviously, my model is different than Amazon's. I still remember, I think 10 years back, or maybe 8 years back, the first order which I received was a very random order. A very random search someone might have done on Amazon. Or maybe Flipkart that I received. Because of the way the data gets transferred, and let's say Paytm bought that data, or Amazon bought that data, or maybe some other marketplace bought that data. So that's how people kept on calling me that please get your product listed on such and such marketplace. And I was through and through with the process because I had one mastermind like me. But now the user journey has changed. My question is to both of you rather, as in playing with the same segment or maybe sabse shayad, aap se bhi aur aap se bhi, wo the user journey hai, ek product list ho gaya hai, ek to aap bhagwan bharose baithe rahe ho ki kab order aayega. And the second part is ads, run the ad campaigns, right? Otherwise, there is no means for people like us to gain orders. So which means, jo hum kehte the paise se paise bana, is like spend more on advertisements and then fetch the order. So the regularity of business depends on only this, number one. And is there any way that we can change the, this journey of getting the consumer on board? Because every agency, not yours, every agency that we have spoken with, I'm sure maximum of, us had a word with the agencies. They say that, ad spend karna padega, Wo toh main hi karunga. डेमोग्राफिक डिटेल्स फेसबुक पे मुझे मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे डेमोग्राफिक डिटेल्स मुझे मिल जाएगी. सो दीज आर टू थ्री क्वेश्चंस दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड सो दैट वी डोंट मिस आउट एनीथिंग व्हेन वी आर ऑन आवर वे टू बी अ डीटीसी ब्रांड, स्पेशली अबाउट आवर यूज केस बिकॉज़ मे बी ईदर ऑफ देम विल अग्री टू व्हाट आई हैव आस्क्ड राइट नाउ. सो बेसिकली यू आर मींस 90% राइट कि एड स्पेंड करना पड़ता है. मेरा इसमें कॉल क्या रहता है कि बेनिफिट ऑफ एड्स जो लोग ऑप्टिमाइज कर रहे हैं वो नहीं देख पा रहे हैं. इट्स लाइक इट्स नॉट एड स्पेंड, इट इज अटेंशन स्पेंड. आप इसको अटेंशन की तरह ग्रैब करो. इवन इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, दे आर नॉट चार्जिंग फॉर द क्लिक्स, दे आर चार्जिंग फॉर द अटेंशन. एंड दीज मार्केट प्लेसेस एंड दीज सोशल मीडिया, दे आर ब्रिंगिंग बैक द मोर एंड मोर फीचर सो दैट आपका अटेंशन ग्रैब. यू डू नॉट वॉन्ट टू इन्वेस्ट 14 मिनट्स ऑन यूट्यूब वीडियो, यू कैन इन्वेस्ट 30 सेकेंड. आपको YouTube शॉर्ट 30 सेकंड का इन्वेस्टमेंट पार्ट बनेगा. एंड व्हाई यू आर स्पेंडिंग इट ना, ये विनिंग विनिंग है, विन विन है. इट्स नॉट कि आप सिर्फ स्पेंड कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि मार्केट प्लेस दे रहा है, आप अपने अटेंशन के लिए स्पेंड करवा रहे हो किसी भी मार्केट प्लेस पे. एंड हाउ यू विल कैटर दैट और आपका आरओआई कैसे बन रहा है वो मेजर प्ले अराउंड है. मार्केटिंग एजेंसी सिर्फ इट्स अ इनेबलर, इट्स लाइक उनकी एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम कितना अच्छा एड चला सकते हैं. एंड ऑर्गेनिक के लिए यू कैन मीन्स आपको भी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी थ्रू मार्केटिंग एजेंसी. जैसे हमारे साथ क्या होता है, हमारा मेन गोल होता है प्रॉफिटेबिलिटी, नॉट कि आपने स्केल अप कर दिया. कस्टमर आस्क अस फ्रॉम दी कि आपको स्केल करना है, हाँ करना है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं चाहिए, ठीक है. हम मेल तो उनको कन्फर्मेशन भेजते हैं,
कि सर वी आर स्पेंडिंग दिस दिस अमाउंट एंड यू विल गेट दी लाइक 40% ऑफ एड स्पेंड. सो उनका क्या होता है लॉन्ग गोल होता है. तो लॉन्ग गोल के बेसिस पे यू कैन गिव अस कि आप साल भर का प्लान बना के चल रहे हो, दो साल का प्लान बना के चल रहे हो, तो डिपेंड करता है आपके मार्केटिंग स्पेंड. तो इट्स नॉट ऑलवेज कि आपको मोर स्पेंड मोर सेल्स का पार्ट है. इट्स नॉट आई थिंक मेरे थोड़े इसमें बहुत सारे व्यूज हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट दैट ही हैज बीन एबल टू कनेक्ट ऑर्गेनिकली राइट फ्रॉम डे वन हिज आयुर्वेदा ब्रांड, दैट दैट इज जस्ट ट्रेमेंडस. Working with 5,000 brands, I know for a fact that यार hit होना जो होता है ना, कि मैंने बस website बना दी, आज मैंने atishay.com बनाया, कल से order आ गए, क्या 8 महीने बाद भी order आ गए, नहीं होने वाला है. Unless you have a very unique product, like a helmet, right? A Bluetooth enabled helmet, it's revolutionary, right? So organic traffic आएगा, but when it comes to products, generally apparel, lifestyle products, right? Unless you build something revolutionary, वो organic भी आना बहुत मुश्किल है. And I'm not saying marketing is the only way. I think organically grow करना is your right from day one. Having social media content being put in, influencer marketing is a thing which is coming in, right? Influencer marketing से ROI शायद instantly नहीं मिलेगा, but your content is out there, and that is very important. आप content आपने डाल दिया, right? I'm not saying कि value जाएगा. But it is important कि brand का content है वहाँ. So people कभी ना कभी आपके देखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जब click conversion ad चलाओगे, तब customer को याद आएगा यार मैंने देखा है ऐसे. उसको देखा था वो influencer था. It indirectly impacts your ROAS. So I think there are multiple ways to go about it. But आप वो hit product aspirational होता है. And that is why for 99% of the brands it is important to just be out there. Like sir ने बोला Facebook ऑर्डर के लिए चार्ज नहीं करते, फेसबुक सीपीएम बोलता है, 1000 कस्टमर को दिखाने के लिए इतना रुपए लगेगा, मुझे मेट्रो सिटीज में दिखाना है, एज ये दिखानी है, फीमेल जेंडर दिखाना है, बिकॉज़ आरटीओ कम होगा, आपको 100 रुपए, इतना 100 रुपए का सीपीएम, 50-150 जो भी लगे. सो आई थिंक इट्स अबाउट द प्रोडक्ट, इट्स अबाउट द ब्रांड एंड हाउ इट पर्सोनिफाइज. अ क्विक स्टार्ट इज डेफिनेटली मार्केटिंग, बट स्ट्रगलिंग द प्रोसेस पॉसिबल है, बट वो बहुत बड़ा स्ट्रगल. राइट सर, आई बिलीव आपका जो बेसिक क्वेश्चन था इट वॉज सम टू लाइक कि हाउ कैन वी गेट द फर्स्ट ऑर्डर विदाउट मार्केटिंग. आई बिलीव इट वॉज राउंड टू दैट. तो व्हाट आई बिलीव इफ आई वॉज टू स्टार्ट फ्रॉम डे वन, और मेरे पास कुछ भी नहीं है टू स्टार्ट, ओनली प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो होगा इस डे ऑब्वियसली. सो आज के लाइक टाइम पे यू हैव वेरी गुड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट. तो लाइक आई एज अ कंज्यूमर ऑफ इट रील्स अभी लाइक आई एम गेटिंग अ मिस चीज़केक का बहुत वायरल चल रहा है लाइक आई. तो शी इज नॉट पेइंग एनीथिंग एनीवन टू गेट हर कंटेंट आउट या खुद की मार्केटिंग, बट शी इज गेटिंग अ होलसम ऑडियंस बिकॉज शी इज क्रिएटिंग हर ओन कंटेंट. ऑब्वियसली एल्गोरिथम इंस्टा की समझना बहुत ईजी नहीं है, बट इफ यू कीप ट्राइंग यू मे गेट टू दैट पॉइंट राइट. एंड जब आपके पास पैसा नहीं है आपको कुछ करना है तो कुछ ना कुछ करते रहने वाला सही नहीं रहेगा. एंड अगर आपके ऐसा है यू हैव दैट मनी तो डेफिनेटली यू कैन पुट अप इनटू मार्केटिंग और यू कैन स्टार्ट गेटिंग ऑर्डर्स. फिर तो जैसा नॉर्मल प्रोसेस जो चलता है जो जल्दी है रहती है. बट इफ यू आस्क मी हाउ वुड यू गेट दैट फर्स्ट ऑर्डर विदाउट मार्केटिंग, आई बिलीव यू हैव टू पुट दैट कंटेंट आउट. वो ब्लॉग लिखो, पुट दैट इन ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो, कोरा पे डालो, मल्टीपल सोशल बुकमार्क लिंक्स पे डालो, गेट थ्रू एवरीवेयर जहाँ से आपको अपना ऑडियंस मिल पाए. क्यूएनए वेबसाइट्स लाइक देयर मल्टीपल. सो दिस दीज आर द सम वेज व्हिच यू कैन स्टार्ट विदाउट मार्केटिंग, लाइक दीज आर द वेज जहाँ से आप ले सकते हो. अर्लियर इन माई स्टार्टिंग डेज वी यूज टू आंसर लॉट ऑफ questions on these websites, right? And those also got us orders because initially for a while we never spent, like now obviously we do spend for advertising right now. Humne kabhi spend hi nahi kiya tha because I never took money from my parents to do anything. Sab jo kiya tha starting mein as all kids founders do, khud hi kiya tha. And jo milta hai jahan se kuch YouTube video dekh ke kaise karna hai kya karna hai, just do it. Like jahan possible ho go and hit it, aur kahin na kahin se to traffic aayega. You get the traffic, you'll get the order. Just that be authentic in that way. Yeah, I think it is the first thing. So, yeah. To get the first order, like first of all, you should focus on your catalog. Catalog images, A+ content, video should be there. You have to educate your customer. And secondly, you have to focus on the keywords. Okay, that nobody is talking about today. Everybody is talking about that marketing. You have to move focus on SEO.
keyword optimization, you have to do it regularly. That's what I did for 2 months. I didn't even spend for 2 months. I got organic order from there. First order Mera was from Instagram. Instagram brand was Nore21, which I launched in November 2023. I got a second day order. मैंने फोटोशूट कर अच्छा स्पेंड किया था. आप लोग भी करोगे अपने प्रोडक्ट के लिए अच्छा फोटोशूट कराओगे, वो सब हमारे इन हाउस टीम ने करा था. तो मेरे को सेकंड डे ही ऑर्डर आ गया था और फिर जैसे ही 15 डेज बाद मेरे को 25 ऑर्डर्स पर डे हो गए थे. तो उसके लिए हम क्या करते थे कि हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग यूज कर आपको करनी चाहिए आप लोगों को भी. इसके अंदर वो आपसे 6 से 15% चार्ज करेंगे ऑन डिलीवर प्रोडक्ट्स. आप मार्केट में बहुत सारे अपडेट मार्केटर्स हैं, आप उनके पास जा सकते हो, वो तो खुद भी आपको अप्रोच कर देंगे. आप लोग अगर आपका अच्छा हर जगह अगर अपीयरेंस आप रखते हैं तो आप इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर अच्छा है. आप खुद के अपने प्रोडक्ट्स बना वीडियो शूट कर सकते हो इन हाउस. मार्केट प्लेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. आपको मतलब प्रोडक्ट बना के देना है उनको, तो आप मार्केट प्लेस पर अच्छा गेन कर सकते हो. तो पैसे तो लगेगा नहीं, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं. शूट पे पैसा खर्च करो. अगर शूट पे नहीं कर रहे हो तो आपको मार्केटिंग भी डिपेंड करना पड़ेगा. माय जर्नी पर्टिकुलरली अगेन मार्केट प्लेसेस आई नेवर हैड एनी एडवर्टाइजमेंट स्पेंड्स. फर्स्ट 6 months 3 crores के आसपास का टर्नओवर किया ऑल ऑर्गेनिक मीशो फ्लिपकार्ट अमेज़न. व्हाट आई अंडरस्टूड इज once you get to that advertisement logic system automatically detects that you are into advertisement space, so they will only give you orders once you start advertising. So even today I think 50 to 70 orders per day Flipkart with zero advertisement, just that was a product quality score which is like consistently 4.5 star. So product is the key, definitely shoots play a very important part. Just that when your another question comes that marketing ko hum bhi kar sakte, what any particular person will do is particularly maybe आपको एक या दो लोगों को हायर करना पड़ेगा. आप पर्टिकुलरली फुल टाइम आप नहीं कर सकते और इसमें भी रील चलानी है, कैंपेन चलाना है, कराउंसल चलाना है, कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है, इंटरेस्ट बेस सीपीपी कितना आ रहा है, कैन चेंज द स्ट्रक्चर, कैन वी चेंज द ऑब्जेक्टिव एक्सेट्रा. तो ये सब चीजें हमें नहीं पता होती व्हेन वी स्टार्ट. सो पैसा कोई भी बर्न कर सकता है 10,000 लोगों को दिखाना है, लेकिन कौन से 10,000 लोगों को दिखाना है वो पर्टिकुलरली अगर एक्सपर्ट से करवाए तो हमें धीरे धीरे नॉलेज आएगी. That is why any particular agency or maybe any technology platform comes in. But yes, website pe or B2C pe you have to have ads. Just that the virality factor. So CPM, see, आप 150 रुपए पर पे भी order ला सकते हो, 20 रुपए पे भी कुर्ती जैसी category में order ला सकते हो. Just that कि 20 रुपए में आपको क्या ऐसा दिखाना है customer के करेंगे. That virality comes from that ad content which is very very important. आप general photo shoots डालोगे नहीं आएगा. आप वायरल फैक्टर डालते हो तो उससे ऑर्गेनिकली फेसबुक भी आते हैं, आप लोगों को दिखाएगा. इन एडिशन टू योर मार्केटिंग स्पेंड दे विल शो इट मोर. थैंक यू सो मच. आई थिंक अब हमें 0 to 1 की जर्नी नहीं, 0 to 100 की जर्नी करनी चाहिए आफ्टर दीज इनसाइट्स. सो वी टेक कपल ऑफ क्वेश्चंस. सर एक क्वेश्चन है, जैसे कि अपैरल इंडस्ट्री की मैं बात करता हूं, मैंने जैसे यूनिकॉमर्स में भी एनरोल करवाया था, तो उन्होंने मेरे को कहा था कि नॉर्मली जितने भी ई कॉमर्स B2C ब्रांड्स हैं वो लोग महीने में 2-4-5 प्रोडक्ट्स ही नए एड ऑन करते हैं. बट मैं फैशन इंडस्ट्री में ही हूँ, मैंने फाइंड आउट किया कि मेरे को तो बस मतलब रोज ही नया मांगता है. तो उस सिचुएशन से आप तो कैसे डील करते हैं, आपको क्या इसमें करना है? आपको उसमें आप पहले ही नेक्स्ट ईयर जैसे बड़ी बड़ी H&M ज़ारा क्या करते हैं कि लोग पहले ही सब कुछ ऑर्डर्स अपने पास एक साल पहले बना के रख लेते हैं, फिर उनको पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एक साल पहले. तो वही स्ट्रेटेजी आपको अलग दिन में बनानी, दो शूट करने हैं साल के. मेरे को फर्स्ट 6 महीने मेरा समर कलेक्शन आ रहा है, मेरा भाभी से भी राखी आ रही है, फिर अपने गणेश चतुर्थी आएगी, फिर दिवाली उससे पीक टाइम आता है अपैरल इंडस्ट्री के लिए, सब इंडस्ट्रीज के लिए. तो हमें जो आप नेक्स्ट शूट प्लान कर रहे हो उसमें आपका राखी और आपका गणेश चतुर्थी कपड़े, नवरात्रि कपड़े और दिवाली ये आपका हो जाना चाहिए. और विंटर भी अगर आप करते हो वेलवेट वगैरह तो भी कर सकते हो. कुछ आपका जो फर्स्ट जनवरी टू मई का जो होगा शूट वो आपका होना चाहिए कि मतलब कि वैलेंटाइन डे पे गाउन्स वगैरह बनाते हो तो गाउन्स वगैरह लॉन्च कर सकते हो.
होली के लिए व्हाइट कपड़े कर सकते हो, फिर समर ज्यादा अच्छा, समर के अंदर वो कॉस्ट में काम करना पड़ेगा, तो कोई भी आपका 4-5 ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना पड़ा, उनको चाहिए 1500-2000 रुपए बेचो और मैं ले लूंगी, मुझे गरीब बैठना है, समर में बाहर मुझे घूमना नहीं। तो आई थिंक आपको 2 शूट करने हैं, तो 2 शूट आपको उसका पैसा बच जाएगा, ना कि मैं पैसे प्लान करूँ, और लॉन्च वैसे ही करो ना, 15 प्रोडक्ट शूट करो आप, 100 गारमेंट्स के साथ शूट कर लो, और उसको डिवाइड करो कि मैं किस कौन से मंथ में कितने लॉन्च करने आ रहा हूँ। एक और क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि साड़ी का आपकी बेस्ट सेलिंग है, तो जैसे मैंने फाइंड आउट किया है कि मैं यदि ट्रेडिंग करता हूँ, मतलब मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा हूँ, तो एक टाइम के बाद वो लोग डिसकंटिन्यू कर देते हैं उन प्रोडक्ट्स को, तो फिर उस सिचुएशन से मतलब अपने यहाँ पर तो बेस्ट सेलिंग होता है, बट दे डिक्रीज द क्वालिटी एंड दे डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट्स, उस सिचुएशन को अपन कैसे डील करें, मतलब उसमें क्या सप्लायर कैसे ढूंढे हैं? आपको अगर आपको इसी फॉर्मेट में ही जाना है कि मेरा प्रोडक्ट मुझे वही प्रोडक्ट हर टाइम रन करना है, तो आप अपना खुद का इनहाउस टीम बनाओ, या तो बहुत सारे जॉब आपके भी जयपुर के अंदर भी सांगा ने जिला पूरा की अपना 22 गोदाम पूरा या भरा हुआ है जॉब वर्कर से, आप उनसे रीच आउट कर सकते हो और उनसे अपना प्रोडक्ट पैकिंग करा के और आप पेमेंट कर दो, जॉब आपका काम करवा सकते हो, पर उसमें आपको थोड़ा इनिशियली आपको मर्चेंडाइजिंग वगैरह काम करना पड़ेगा, फिर फैब्रिक सोर्सिंग कुछ करना पड़ेगा, अगर आप तो उसमें सही रहेगा, डायरेक्टली आप किसी से लोगे आपको तो अपना स्टॉक आउट करेगा, उनका इन हाउस करना पड़ेगा। Just to add on in her answer, मतलब मैंने जो देखा, again you are very very right कि रोज नया नया कुछ मांगते हैं customers, right? तो prints ऐसे हो जो timeless हो, classics हो, stripes हो, let's say very very fine polka dots हैं, या some safe catalogs, उसे क्या होता है, you ensure that product life is stronger, आप उसको 6 महीने तक at least चला सकते हो, साल भर उसके बाद colors change कर दिए, so those variations can come out later. थोड़े आपको एक आपके कैटलॉग में 20-30% क्लासेस रहेंगे तो इन्वेंटरी ऑब्सोलेशन का चांसेस थोड़ा सा कम रहता है, जस्ट दैट यस यू नीड टू टेक आउट कलेक्शंस, शूट्स आप एक साथ करा सकते हो, बट यस आपको लॉन्च धीरे धीरे टाइम टू टाइम करने पड़ेंगे, सो दैट देयर इज अ फ्रेशनेस एवरी टाइम इन योर वेबसाइट और लेट्स से इन योर प्रोडक्ट कैटलॉग्स, तो वो आपको इंश्योर करना पड़ेगा प्रॉपर इन्वेंटरी प्लानिंग से, जैसे 100 पीसेस ही बनवाएं और ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट ना करें, एंड देन यू सी, बट अगेन यू हैव अ बैक stage ready, let's say कपड़ा dye पे है या stitch पे है, once it goes viral you are already cashing on that opportunity, and if not you particularly have a backdrop plan कि आपके losses बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। sir, our panelists will be around, so you can ask, we'll take last question please from the back, please allow us to ask a question. और मैंने marketing की product packet लिया आपके website, सबसे बड़ा issue था trust issue, वो कहते हैं Amazon वेबसाइट पे मेन फियर इज कस्टमर डिलीवर भी होगा नहीं होगा, राइट? और सो देखो, देयर फ्यू थिंग्स व्हिच यू फर्स्ट नीड टू एंश्योर कि आपकी वेबसाइट जेन्युइन हो, ऑल द सैनिटी चेक्स आर देयर, कि SSL हो, एवरीथिंग इज देयर, वो तो चलो फिर भी स्टिल दिस वो हो जाता है आजकल, लाइक एवरी रेडीमेड सॉल्यूशंस ही है, शॉप टैग वगैरह आई थिंक सब हो जाएंगे, बट स्टिल कस्टमर लाइक प्रोडक्ट भी डिलीवर होगा नहीं होगा, आई थिंक फॉर दिस यू नीड टू हैव सम सोशल प्रूफ, सोशल प्रूफ एज इन आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, आप कितने इंटरेक्ट कर रहे हो, आप लगो लाइक इफ let's say your brand is somewhere XYZ, तो बंदा गूगल पे जाके XYZ सर्च मार रहा है, तो he finds something कि हाँ this is a genuine brand, और चलो ये इसकी वेबसाइट ही नहीं है, आप लिस्ट करो Amazon पे भी, तो he would be like कि ब्रांड है ये, एक वो नहीं कि वेबसाइट बनाई और like maybe just take order और फिर डिलीवरी नहीं करेगा, ऐसे लेके बैठ गया, अगर ब्रांड है वहाँ भी भेज रहा है तो might be it be genuine, और get some videos from some maybe creators कि yeah this is our brand, these are the products. सबसे बड़ा इशू कस्टमर का एक जो होता है ऑनलाइन में कि भाई प्रोडक्ट दिख तो रहा है, फील कैसा होगा, असली में होगा कैसा, समवेयर यू हैव टू वर्क अराउंड दैट कि प्रोडक्ट दिखे, कि काम कैसा दिखेगा आने के बाद, चाहे वो फोटोशूट्स में हो, चाहे वो वीडियो में हो, आई मीन वीडियो इज द बेस्ट वे, रिव्यूज आर द मेन थिंग, बट सिर्फ वेबसाइट के रिव्यूज पे कोई इतना ध्यान नहीं देगा, वो सबकी वेबसाइट पर डर जाएंगे, यू नीड टू हैव सोशल प्रूफ आई बिलीव फॉर दैट, कि आपको जाके सब क्रिएटर से वर्क करना पड़ेगा कि थोड़े प्रोडक्ट दिख रहे हैं, लाइक कोई आपके बिहाफ पे बोल रहा है ये एक्चुअल प्रोडक्ट है,
ये ब्रांड है एक्चुअली और ये वेबसाइट आपको डिलीवर कर देगी समय और फिर सीडी आप रखना जरूरी है। आप कहोगे प्रीपेड ही रख लूँ तो फिर तो कस्टमर ट्रस्ट जीरो हो चुका है, कहेंगे कि भाई आप प्रीपेड ही कर लो। सी डी इज समथिंग लाइक कि यू विल टेक ऑर्डर फ्रॉम सी डी लाइक नहीं आया तो नहीं आया, एटलीस्ट आई एम दैट सेफ राइट। तो वो थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके एक बार कस्टमर जुड़ गया वो आ जाएगा एंड देन यू हैव द कस्टमर रेफरेंस अदर तो दैट वुड वर्क दैट वे। सो दिस इज माय इनसाइट ओवर दैट। सो बेसिकली इसको हम यूजीसी कहते हैं जो कि ट्रस्ट के लिए भी काफ़ी चल रहा है, इसको यूजर जनरेटिंग कंटेंट हम कहा जा रहा है। तो ब्रांड के बारे में एक यूजेबिलिटी वाला वीडियो आप बनवा सकते हैं जो कि एक आपकी और मेरी तरह एक पर्सन होगा। सपोज मैं बेल्ट सेल कर रहा हूँ तो बेल्ट के साथ जो स्ट्रगल हो रहा है वो दिखाना है कि ये बेल्ट है ये है। तो एक कॉन्टेंट बेस्ड जो मार्केट चल रहा है ना वो इम्पॉर्टेंट है। अगर कॉन्टेंट नहीं है ना तो यू आर एक्स वाई जेड ब्रांड तो वो आपको फाइंड आउट पहले करना है। सर ट्रस्ट आपका सोशल मीडिया चैनल है, जैसे मैंने आप देखोगे बहुत सारी वीडियोस बनती है जहाँ पे आप ऑर्डर्स पैक कर रहे हैं, आपने अपने वर्कर के साथ वीडियो बना ली, आपने खुद के साथ वीडियो बनाई, जहाँ से आप सोर्सिंग कर रहे हो। मेरे एक क्लाइंट थे जो झांसी में रहते हैं, वो हर बार जयपुर में जब आते थे तो वो प्रिंट्स होती है यहाँ पे हैंड प्रिंट्स होते हैं आपको पता होगा जयपुर में, तो वो उनकी वीडियो बना के ले जाते थे और आप ट्रस्ट मी मिलियंस ऑफ व्यूज चले जाते थे क्योंकि वो दिखा रहे होते थे कि मेरा प्रोडक्ट ऐसे बनता है। एंड ट्रस्ट मी वो वहाँ पे वेबसाइट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि इतना वहाँ पे पीपीपी आ जाता है कि प्राइस भी तो वो वहां पे हमें डायरेक्ट करना पड़ता था ऑर्गेनिक को। मैं बता रहा हूँ इसमें कोई एड वगैरह नहीं रहता ऑर्गेनिक, और ये ऑर्गेनिक में भी कंसिस्टेंसी और वीडियोज रहे। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो वायरल हो गई तो आपको लगा आपका ब्रांड शूट अप कर गया। आप देखते हो शार्क टैंक में जब आता है तो शूट अप होता है, शूट हुआ है लास्ट ईयर में दिसंबर में और आप फिर भूल जाते हो। अगर आपने पूछो टॉप 5 ब्रांड आप बताओ शार्क टैंक सब नहीं बता पाओगे। इट्स डिपेंड्स ऑन कि अटेंशन ग्रैबिंग बहुत स्लो हो गया है और बहुत ही आप कह सकते हो मेमोरी लॉस बहुत जल्दी है। आज आप मुझे जानते हो दो दिन बाद आपसे नहीं जानते, मैं आपको बताना पड़ा ई कॉम में मिले थे सर ये था होता। तो इट्स डिपेंड अपॉन दी कॉन्टेंट, अगर मेरा कंसिस्टेंट कंटेंट आपके साथ है तो आप मेरे साथ ग्रो करो। सॉरी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। वी हैव अ पैनल वेटिंग द नेक्स्ट पैनल सो यू कैन कैच ऑल ऑफ देम। ओके वी आर फ्रॉम यू कैन कनेक्ट देम इंडिपेंडेंटली एंड देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। आई थिंक दैट वुड बी फाइन। प्लीज वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट सेशन। Thank you very much. Thank you for your insightful session. And thank you for all the audience. Wow, एक बार हमारे सभी पैनलिस्ट के लिए एक बार जोरदार तालियां और दें। Thank you so much for joining us and taking time out. So we have appreciation token and I request to you sir please hand over that ball.